तेरी सीता शहर से आ गई है, समझ गया? वो मंदिर में है। बास कहीं का केबल कनेक्शन के पैसे थे, वो दारू पी कर आता है। मम्मी दे दे, दे दे, मेरा पसंदीदा पति पत्नी और सीरियल चला गया ना, अब तो घर में नहीं घुसेगा। अरे शेर की तरह मुझे रखकर बिल्लियों से झगड़ा करके शर्म नहीं आती? रोज रोज सड़क पर तुम्हारा ये क्या नाटक चलता रहता है? चल ओए, शादी से पहले तेरे जैसा था और शादी के बाद मैं अपनी बैंड बजवा चुका हूँ। मुझे वीरप्पन जैसी औरत से मार खा रहा है तेरी तो। ए रुक रे, अरे राम रुक, मैं भी आ रहा हूँ। ऐसे भागता है जैसे ओलंपिक में दौड़ रहा हो। अरे रुक जा, गिरा 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 गिरा। अरे आराम से, वैसे भी हमें कंपटीशन बढ़ गया है। शक्ल देख साहब, साहब भगवान को नाम पे दे दो, साहब साहब भगवान को नाम पे दे दो। बेटा क्या देख रहा है? देखो ना यार, इतनी सारी लड़कियों के बीच मेरी प्यारी सीता कितनी सुंदर दिख रही है। चुप रह, मंदिर के सामने भिखारियों की तरह सोया, चलो चलो। अरे आज वो अकेली ही है, सही टाइम है, जाकर बोल दे। क्या बोल दे, क्या बोल दे, बोल। आओ बेटा। अब कैसे बताऊं यार, उसके लिए मेरे पास मस्त आइडिया है, बताऊं क्या? बकवास आइडिया देगा तो एक पड़ेगी। अरे छिलके का आइडिया यार, हमारी सीता भाभी मंदिर की परिक्रमा कर रही है, ऐसे उसके आगे छिलका डालेगा तो उस पर पैर रख के सर करके फिसल जाएगी। और उसी टाइम पर तू जिस तरह भूखा भेड़िया बकरी को झपट कर पकड़ता है ना, वैसे ही झपट कर पकड़ लेना। फिर मेलोडी गाना तेरे कानों में बजने लगेगा। क्या? जैसे पत्थर से पत्थर रगड़ने पर आग निकलती है ना, वैसे ही आंखों से आंखें मिलने पर प्यार उमड़। सीन कट करते हैं। कट मत कर यार। वो क्यों? फिल्म अच्छी लग रही है। ओए वर्कआउट होगा क्या? वैसे ये सीन तूने कितनी फिल्मों में देखा होगा। अबे वर्कआउट नहीं होता तो ऐसे सीन फिल्मों में रखते है क्यों? काट देते ना अकल का अंधा। मर गया, अब फेंक दे छिलका। ऑलरेडी फेंक चुका हूँ। I love you. ये शब्द उससे कहना बेटा, उल्लू के पट्टे। जा। बोल दे। देख देख देख। अरे हमने तो हिरनी के लिए जाल बिछाया था, उसमें हथनी फंस गई यार। चल देखने तो सबसे मजा आएगा। देखो भाभी, मेरे बेटे ने पिछले साल कार खरीदी और इस साल घर खरीद लिया। एक खुशखबरी सुनाना तो मैं भूल ही गई, बहुत जल्द मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे वाह, और इसे देखो, निकम्मा कहीं का, आवारा आवारा दोस्तों के साथ घूमता है। एक बात बता यार, मेरी पड़ोसन अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटे की बातें सुना सुना कर हमें गांव से बाहर निकलवाना चाहती है।
सॉफ्टवेयर करने वाला इंसान सॉफ्ट ही रहता है। तू इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया कर यार। तो किसे आ गई यार? अरे यार, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आज तू उसको आई लव यू बोल दे। तेरा लव वन साइड है या टू साइड है या सुसाइड है, कुछ तो डिसाइड कर ले। हाँ, ये रिएक्शन वहां दे तो पास हो जाएगा। चल जा पागल कहीं का, जा बोल। हाय। हेलो डॉक्टर मैडम। जी हाय। कौन है औरत, कौन है औरत? इसने प्यार करके घर वालों के खिलाफ जाके शादी की है, पता है? अच्छा, तुम्हारे घर वालों ने कुछ कहा नहीं? प्यार करके शादी की, इसलिए हमारी बेटी मर गई बोलकर श्राद्ध कर दिया। फिर हमने झूठ बोला, बेटी के रूप में माँ ने जन्म लिया, फिर सब मान गए। तुम्हें गलत नहीं लगा क्या? जब तुम पर गुजरेगी तब पता चलेगा, तुम भी किसी न किसी से प्यार करोगी ना? करती है ना। अगर वो तुम्हारे पापा को पसंद नहीं आया तो? नहीं आऊंगा ना। फिर तो तुम्हें उसके साथ भागना ही पड़ेगा ना। भागना ही पड़ेगा। देखो, जैसा तुम सोच रही हो, मैं किसी से प्यार नहीं करती। मेरे पापा को जो पसंद नहीं उससे प्यार नहीं करूंगी। घर वाले जिसे पसंद करेंगे उसी से शादी करूंगी। अब तो ये रामायण का राम बनके जंगल जंगल सीता करते हुए फिरेगा। सभी राम नाम जपते हैं, तू सीता का नाम जप रहा था, अब क्या हुआ? इस जन्म में तुझे सीता नहीं मिलेगी, समझ गया? सही बात है। सीता ने क्या कहा कि वो किसी से प्यार नहीं करती? इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। मुझसे प्यार नहीं करती तो परेशान होना चाहिए, उन दोनों को कैसे अलग करना है वो सोचना पड़ता, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भूमि गर्भ में जैसे पानी छुपा रहता है, मेरा प्यार भी उतना ही अंदर घुस चुका है, डुबकी मार के बाहर निकल रहा है। क्यों रे चालबाज, ये क्या है? अब तू उस लड़की को इंप्रेस करके, उससे प्रेम करके, उससे शादी करेगा? सही पता लगाया तूने। क्या पता लगाया मैंने? एक लड़की से प्यार करना हो तो आंखों से आंखें मिलनी चाहिए, दिल से दिल मिलना चाहिए, उससे पहले दोनों की पसंद मिलनी चाहिए। मिल गई ना? देखिए ना क्या मिल गई। सीता को भी मेरी तरह पक्षी पालना अच्छा लगता है। शादी के बाद तो हमारा घर चिड़ियाघर हो जाएगा। देखो तो बेचारे आजाद उड़ने वाले पंछियों को कैसे कैद करके रखा है। हम इसे इसके हिस्से की आजादी दे देते हैं। चुचु, टाटा, उज्जी। हे, तुम्हें भी पक्षी पसंद है क्या? बहुत पसंद है। मुझे भी पक्षी बहुत पसंद है। देखा ना, हम दोनों की पसंद कितनी मिलती है? कितने का है? 300 का है जी। सबका नहीं पूछा, एक का पूछा है। मैंने भी सबका नहीं बताया, एक का ही बताया है। कबूतरबाजी करने वाले को तू ये सब बता रहा है? मतलब तुम हमेशा कबूतर खरीदते हो क्या? इस गांव में नहीं मिलता तो बगल के गांव में खरीदने जाता है, तुम इसको नहीं जानती। ठीक है, अब तारीफ करना छोड़ना। ये देख, फाइनली एक कबूतर का 150 दूंगा। ले लो भाई। कितने चाहिए? मुझे सारे चाहिए। ये मैं वाला ले लूं। नहीं नहीं, ये मेरा, ये मुझे। अरे लगता है ये लोग जिंदा ही खा जाएंगे यार। किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, अपने संसार में तुम्हारा जीना मतलब आजादी। अरे यार, इन कबूतरों को मारकर खाने वाला तेरा और इस लड़की का कोई मेल नहीं है, समझ गया? मेहरबान कदरदान बिन बुलाए मेहमान, सांपों को उनके बिल में देखा होगा या जंगलों में देखा होगा या फिर डिस्कवरी चैनल में देखा होगा। बड़ा खतरनाक है। काले नाक से मीटिंग करवाऊंगा और कभी कभी इनसे कराटे करवाऊंगा और इन्हीं सांपों से जंपिंग भी करवाऊंगा। ये है बाप रे। अच्छे फोटो खींच कर फेसबुक में डाल लो जी, या इससे प्यार से घर ले जाकर दूध पिलाओ जी। वन सेल्फी प्लीज, आ जाओ। कम ऑन। किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, अपने संसार में तुम्हारा जीना मतलब आजादी। बस कर, बस कर, बस कर सपेरे। अरे बाप रे, उठाओ ये सब और निकल यहाँ से, पहले निकल यहाँ से।
तेरे पास मुंह है तो बिन मुंह के जानवरों का तमाशा करेगा? बताओ लोगों, तमाशा करेगा क्या? बताओ लोगों, और कितने दिन इंसान जानवरों पर जुल्म करेगा? आज इसका अंत होना ही चाहिए, होना चाहिए। सांप की जगह टोकरी में नहीं होती, बिल में होती है। बिल में? किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, और अपने संसार में तुम्हारा जीना मतलब आजादी। अरे बाप रे, छोटो से आजादी, 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 आजादी। हेलो, क्या हुआ? तुझे आजाद नहीं होना है, चल। किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, अपने संसार में तुम्हारा जीना। अरे उस सांप को अभी पकड़ कर लाया, उसका जहर नहीं निकला है, वो काटेगा तो मर जाओगे। नागराजा, नागराजा, देखो नागराजा, तुम मुझे छोड़ दोगे ना तो नाग पंचमी पे 1 लीटर दूध पिलाऊंगी। हाँ नागराजा, नागराजा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारे बिल में कुछ खाने के लिए डाल दूंगा। नागराजा वो गधा है, उसकी बातों का भरोसा मत करो। मुझे छोड़ दोगे ना तो तुम्हारी मूर्ति की 1001 परिक्रमा करूंगी नाग देवता। नागराजा तुम्हें तो पता है ना नागराजा, ये एक बार चक्कर लगाकर 1000 बार मुझे चक्कर लगवा दिए, तुम्हें तो पता है ना नागराजा। अब तेरी तो नागराजा सारा झंझट ही खत्म। अरे आज बहुत अच्छा दिन है, 100 सालों में एक बार आता है ये दिन। आज के दिन जो पालकी उठाएगा उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, इसीलिए आज हमें किसी भी तरह से पालकी उठा लेनी चाहिए। चलो। ए, कोई अगर पैसे दे रहा हो तो उसे बातों से घुमा देते हैं हम। इच्छा पूरी करेंगे तो क्या भगवान की पालकी नहीं उठा सकते क्या? रुक बताता हूँ। यही बात है भाई, अब क्या करें? इसमें सोचने वाली क्या बात है, चलो चलते हैं। चलो चलते। ओम कांति मतये नमः, ओम भृति मतये नमः, ओम कामिनीये नमः, ओम ब्रह्म रूपिणे नमः। रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, नमो नमो नमो। अरे जल्दी क्यों है, क्यों उठा रहे हो, नीचे रखो। अरे क्यों, पहले कुछ पीने को दोगे क्या? बिल्कुल नहीं, एक बार पालकी उठाने के बाद पूरे गांव में घुमाकर मंदिर में वापस लाने तक पालकी उठाने वाले एक बूंद पानी नहीं पी सकते मेरे अलावा। अरे जरा रुक तो जाओ, क्या प्रॉब्लम है? सामने पुजारी जी आ रहे हैं, इस पालकी में बैठेंगे, आइए पुजारी जी। पुजारी, पुजारी? नहीं 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 नहीं। अरे बाप रे, मैं सुबह घर से बिना कुछ खाए निकला हूँ, मंदिर में कुछ मिल जाएगा? मंदिर का सारा प्रसाद खुद ही खा जाता। पंडित जी ये तो गलत है। पंडित जी कुछ गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? चलो उठाओ 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 पालकी को। हे माता तुम हमारी रक्षा करना, माता हमारी रक्षा करना। उठाओ चलो ले चलो, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके। नमस्ते।
अच्छा फंसाया उसने। अभी तक तो क्वार्टर में वाटर की जरूरत समझता था, लेकिन आज वाटर की वैल्यू समझ में आ रहा है। अरे बच्चे लोग, यात्रा समाप्त नहीं हुई। पंडित जी अब बस भी करो। देखो बच्चों, धर्म के नियम के अनुसार जो पालकी उठाते हैं उन्हें अग्निकुंड पर चलना होगा। पुजारी हो के शैतान हो, हम लोगों को मारने का प्लान बनाया है क्या तुमने? हम लोग नहीं चलेंगे। जाओ, हम लोग जा रहे हैं। चलो रे, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? मैं भी आ रहा हूँ। तुम नहीं भाग सकते बेटा। चलना होगा बेटा, जाओ जाओ। आज का दिन बहुत शुभ है, तुम जो मांगोगे मिल जाएगा, मांग लो।